हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे एक बहुत कॉमन आँखों की प्रॉब्लम के बारे में, जिसको बोला जाता है अश्रु नलिका, यानी ब्लॉक्ड टीयर डक। ये कॉमन एक मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। हमने ये पर्सनली कबीर के साथ एक्सपीरियंस किया था जब वो 3 साढ़े 3 महीने का था। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी ये क्या होता है, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और इसे कैसे ट्रीट किया जाता है, अलॉन्ग विद मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन को हिट करें रेगुलर अपडेट्स के लिए। वेलकम टू मॉमकॉम इंडिया। तो दोस्तों, कबीर जब 3 साढ़े 3 महीने का था, संडे का दिन था, शाम का टाइम था, हम उसको बाहर लेके जाने लगे थे और अभी वो सो के उठा था और एकदम से हमने देखा कि उसकी आँख जो है वो एक आँख जो है वो बिल्कुल लाल हुई हुई है और उसमें बहुत ही पानी भरा हुआ था, बट वो पानी बाहर नहीं निकल रहा था, बिल्कुल लाल हुई हुई थी। और हमें एकदम से समझ नहीं आया कि क्या हो गया है। नॉर्मली हम लोगों के साथ क्या होता है कि किसी की भी आप रेड या पिंक आई देखते हो तो हमें लगता है कि उसको कंजक्टिवाइटिस हो गया है या उसे कोई इन्फेक्शन हो गया है आँख में या आँख में कुछ चला गया है, तो हमें ऐसा लगता है। तो हम भी काफी एकदम से डर गए थे, बिकॉज पहले उसको ऐसा हुआ, उसके बाद उसका हल्का हल्का ग्रीन सा भी डिस्चार्ज आने लग गया, तो हम काफी डर गए थे। संडे था तो हमें यह भी समझ नहीं आया कि उसका डॉक्टर अभी नहीं बैठता है, हम क्या करें। हमने इमीडिएटली सोचा कि उसको इमरजेंसी में लेके चलते हैं, बट लकीली उसके डॉक्टर से, जो उसकी पीडियाट्रिशियन है, उनसे हमारी फ़ोन पे बात हो गई। तो उन्होंने हमें बताया, मतलब सुनते ही जब हमने उन्हें ये पूरी सिचुएशन बताई तो उन्होंने हमें बताया बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, इमरजेंसी में जाने की ज़रूरत नहीं है, कल मंडे है, अब मैं बैठती हूँ, आप आके मेरे को मिलो। ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो बेबीज़ में होता है, पहले 6 महीने में ये होता हुआ देखेगा और जनरली मतलब शुरू शुरू में ही हो जाता है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और इसका सॉल्यूशन भी डॉक्टर्स के पास नहीं, पेरेंट्स के पास है, तो आप आके हमें अगले दिन मिलो। हमें समझ नहीं आया कि ऐसा क्या हो सकता है जिसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है और हमें अभी तक पता भी नहीं था। तो अगले दिन जब हम डॉक्टर से मिले तो उन्होंने उसकी आँख चेक करी और बताया कि इस कंडीशन को बोला जाता है ब्लॉक्ड टीयर डक, यानी ब्लॉक्ड अश्रु नलिका। तो अब मैं आपको समझाती हूँ ये होता क्या है। तो बच्चों के, मतलब हमारे भी आँख के यहाँ पे एक पॉइंट होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं टीयर डक्ट बोलते हैं इसको, आंसुओं का पॉइंट होता है ये। बहुत कॉमन है बच्चों में या तो दोनों आँखों में या एक आँख में ये जो पॉइंट है ये ब्लॉक हो जाना, फुली ब्लॉक भी हो सकता है, पार्शली ब्लॉक भी हो सकता है, यानी पूरा बंद या थोड़ा बंद भी हो सकता है। तो बच्चों के जो आंसू हैं वो जनरली 2 से 3 हफ्ते जब उन्हें पैदा हुए हो जाते हैं तब बनने शुरू होते हैं। तो जब वो आंसू आते हैं, क्योंकि हमें तो पता है हमारे बच्चे कितना, मतलब उन बेचारों के पास रोने के अलावा कोई तरीका ही नहीं है बताने का किसी भी चीज़ में, तो होता क्या है कि जब वो आंसू आँख के अंदर आता है तो नॉर्मल प्रोसेस है कि वो जो आंसू है वो इस यहाँ से एक पैसेज होता है कि यहाँ से निकल के नीचे नोज़ की तरफ आ जाना चाहिए, वो जो पानी होता है अंदर वो ऐसे आना चाहिए। बट क्योंकि ये पॉइंट ही ब्लॉक्ड है, जो आंसू का पॉइंट है मेन, आप समझ लीजिए जो गेट है वो ब्लॉक्ड है, तो वो पानी यहाँ आके रुक जाता है और वापस आँख में ही चला जाता है। अब क्योंकि वो पानी वापस आँख में जाता जा रहा है तो उसमें बैक्टीरिया डेवलप होने का चांस हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों को इन्फेक्शन हो जाता है। अब वो इन्फेक्शन क्या हो सकता है, वो बहुत सारा इन्फेक्शन अलग अलग तरीके से हो सकता है। पहला, आँख जो है वो लाल होनी शुरू हो सकती है। दूसरा, आँख चिपक सकती है, बच्चा सो के उठा है और उसकी आँख चिपकी हुई है। तीसरा, आँख में से डिस्चार्ज आना शुरू हो सकता है, जैसे सफ़ेद कलर का हो गया, ग्रीन कलर का, गिद्ध बोला जाता है जैसे, ग्रीन डिस्चार्ज आना शुरू हो गया या येलो कलर का डिस्चार्ज आना शुरू हो गया, आँख में पानी पानी दिख रहा है बट वो पानी बाहर नहीं आ रहा है। तो ये जो सारी कंडीशन होती है, ये कंडीशन, ये सिम्टम्स नॉर्मली आपको ये बताते हैं कि आपके बच्चे का जो टीयर डक्ट है वो ब्लॉक हुआ हुआ है। इसका कोई रीज़न नहीं होता कि वो ब्लॉकेज क्यों होती है, बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे बॉडी डेवलप हो रही है वैसे ये जो आँख का भी सारा एरिया है ये भी डेवलप हो रहा है। कुछ बच्चों का डेवलप नहीं हुआ होता है और उन्हें हमारी मदद चाहिए होती है इसको डेवलप करने में। तो हमें बहुत क्लियरली समझ आया, बहुत लॉजिकल लगा कि हाँ ये प्रॉब्लम है। अब हमने पूछा कि सॉल्यूशन क्या है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें लगा कोई आई ड्रॉप डालना चाहिए या कुछ करना चाहिए। तो हमें डॉक्टर ने बहुत अच्छे से समझाया कि उस सब की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है जब तक ये कंडीशन सिवियर ना हो। इसको ट्रीट करने के 2 सॉल्यूशन हैं जो आपने करने हैं। सबसे पहला सॉल्यूशन होता है एक तरीके की मसाज होती है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को आपने एक तरीके से मसाज करना होता है, दिन में 10 से 15 बार करेंगे तो बेस्ट रहेगा, 2 से 3 दिन में ये अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है। बहुत ही कम केसेस होते हैं जिस केस में ये मसाज से भी ठीक नहीं होता है,
उन केसेस में जाके, स्पेशली अगर आपका बच्चा 6 महीने से ऊपर है और अभी भी उसको ये प्रॉब्लम है, तो उन केसेस में जाके डॉक्टर्स को एक सर्जरी करनी पड़ती है इस डक्ट को खोलने के लिए, नहीं तो काफ़ी मेजर इन्फेक्शन होने का चांस हो जाता है. बट नॉर्मल केसेस में ये ट्रीटेबल, मतलब जिसे कहते हैं घर में ही हो सकता है. ये पहला. अब सवाल है कि मसाज कैसे की जाए. दोस्तों मैं आपको पहले ये चीज़ समझाऊंगी कि अगर आपके बेबी को ये प्रॉब्लम हो रही है तो सबसे पहली चीज़ तो आपने ये डॉक्टर को दिखाना है, क्योंकि डॉक्टर ही कंफर्म करेगा कि ये कंडीशन जो मैं आपको बोल रही हूँ वही है या नहीं. बहुत कम चांस है कि ये नहीं होगी, कोई और कंडीशन होगी, बट डॉक्टर को वो कन्फर्म करने दीजिए. दूसरा, मसाज जो है वो डॉक्टर से ही सीखिए. नॉर्मली जो हमारे घर में जैसे दाइमाज आती हैं जो बेबीज़ की मसाज वगैरह करती हैं, या जो ओल्ड मतलब हमारे घर में मदर्स या लेडीज़ होती हैं, वो भी हमें सिखाते हैं काफ़ी. बट क्या होता है, टाइम के साथ चीज़ें बहुत चेंज होती हैं, तो बेस्ट है कि आपका डॉक्टर ही आपको ये मसाज सिखाए. मैं आपको इस वीडियो में बता ज़रूर देती हूँ, बट अगेन सबसे अच्छा होगा अगर आप अपने डॉक्टर से सीखें. ये वाली फिंगर लेके, क्योंकि मतलब बेबी का यहाँ का एरिया बहुत ही छोटा होता है, इसलिए सबसे छोटी फिंगर आप लेते हैं. उस पॉइंट को आप प्रेस करेंगे, बहुत बहुत लाइटली प्रेस करेंगे, और उसे सर्कुलर मोशन में 4 से 5 बार हिलाएंगे. हिलाने के बाद बिना उंगली हटाए पकड़ के ही इसको सीधा नीचे नाक के एंड पॉइंट तक ले आएंगे. तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, यहाँ से इस पॉइंट को पूरे जो भी यहाँ पे अभी बंद है उसको रिलीज़ कर रहे हो और नीचे की तरफ ला रहे हो. ऐसा दिन में 10 से 15 बार करने से जो आपका ब्लॉक टीयर डक है बेबी का वो खुल जाता है. अब अगली चीज़ है कि ये करे कैसे, क्योंकि बच्चे तो इजीली ये करवाएंगे नहीं. आप उनके मुंह पे हाथ लगाइए और इधर उधर वो मुंह करना शुरू कर देंगे. तो सबसे अच्छा तरीका है जब आप बेबी को फीड करा रहे हो या फिर जब बेबी सो रहा है. सोने वाला टाइम भी थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि बेबीज उठ जाते हैं, बट जब फीड करा रहे हो ना वो बेस्ट टाइम है, क्योंकि बेबी बिल्कुल आपके पास है, आपके पास बहुत टाइम है. हल्का हल्का लेके आप उसको ये प्रोसेस करते रहेंगे तो बेबी को बहुत मदद मिलेगी और इसका डग खुल जाएगा. ये था पहला. ये तो हो गया कि आप कैसे खोल रहे हो. दूसरा जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि क्योंकि प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन है, तो आप उसके लिए क्या कर रहे हो. तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको आँख की सफाई मेंटेन करनी है. नॉर्मली दोस्तों मेरी लर्निंग ये है कि जैसे हम बॉडी के बाकी पार्ट्स की केयर करते हैं, वैसे हमें आई केयर नॉर्मली भी बच्चों की करनी चाहिए. इसीलिए आज तक मतलब हमारा रूटीन है कि अगर कभी जब सुबह सो के उठता है तो मैं उसकी आईज़ क्लीन करती हूँ, कभी बाहर से आता है तो मैं उसकी आईज़ क्लीन करती हूँ, क्योंकि बच्चों की आँखों में आप छींटे नहीं डाल सकते जैसे हम अपने साथ करते हैं. तो आप आई केयर तो नॉर्मली मेंटेन करिए इस तरह से. बट अगर आपके बेबी को ये प्रॉब्लम हो रही है तब तो आपने ज़रूर ही करना है. तो अब आपने करना क्या है, साफ़ कॉटन ले लीजिए, कॉटन बॉल को ल्यूक वॉर्म यानी गुनगुने बॉइल्ड पानी में डिप कर लीजिए. डिप करके बिल्कुल हल्के हाथ से अच्छी तरह से निचोड़ लो ताकि पानी पानी ना रह जाए. निचोड़ के हल्के हाथ से अंदर से बाहर जाते हुए आप उसकी आँख को क्लीन कर दीजिए. एक आँख में एक ही कॉटन मतलब जो है यूज़ कीजिए. ये नहीं कि वो कॉटन लिया उसी को फिर पानी में डाला और उससे दूसरी आँख भी क्लीन कर रहे हैं. दूसरी आँख के लिए आप फ्रेश कॉटन निकाल के क्लीनिंग कीजिए. ऐसा दिन में 3 से 4 बार करने से, और स्पेशली जब बेबी सो के उठता है, बहुत उसको भी आराम मिलेगा. अगर उसकी आँख चिपकी हुई है तो वो धीरे धीरे करके खुल जाएगी और काफ़ी क्लिनलीनेस मेंटेन होता है. तो आप ये दूसरी चीज़ कर सकते हैं. तो ये थे बहुत दो सिंपल चीज़ें जो हमें जान के भी काफ़ी सरप्राइजिंग लगा कि हम इतनी सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर्ड थे, बट ये हमें बिल्कुल पता नहीं था. तो अगर आप एक न्यू मॉम हो जिसका अभी बेबी हुआ है या आपका बेबी होने वाला है, तो ये चीज़ आप पहले ही हॉस्पिटल से आने से पहले या जब अपने डॉक्टर को नेक्स्ट विजिट कर रहे हैं डिस्कस कीजिए. आपको उनसे पहले ही पता चल जाएगा. ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनको ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती, तो ऐसा मत सोच लीजिए कि मेरे बेबी को होगा ही होगा. बट नॉर्मल केस में अगर आपके बेबी को आई की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो 99% वो टीयर डक्ट का ही प्रॉब्लम है, जिसमें कोई घबराने की बात नहीं है. दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो याद रखनी है, अगर इन्फेक्शन सिवियर है तो हो सकता है कि डॉक्टर आई ड्रॉप्स या कुछ रेकमेंड करें. उस केस में मतलब आपको वो करना चाहिए, बट डॉक्टर के रेकमेंडेशन पे. दूसरा, अगर बेबी 6 महीने से ऊपर है और अभी भी ये प्रॉब्लम है तो बहुत हाई चांसेस है कि आपके बेबी को सर्जरी के थ्रू जाना पड़ेगा इसको खुलवाने के लिए. बट अगेन वो भी डॉक्टर्स ही रेकमेंड करेंगे. कोई भी बेबी रिलेटेड प्रॉब्लम, दोस्तों मैं एक बार दोबारा रिपीट करूंगी, हम जनरली हमेशा भी बताते हैं, बेबी रिलेटेड प्रॉब्लम में हमेशा डॉक्टर को कंसल्ट ज़रूर कीजिए,
बट उसके साथ साथ आप जो भी बाकी घरेलू उपाय वगैरह करना चाहें वो आपकी कॉल है, बट डॉक्टर कंसल्टेशन हर केस में होनी ही चाहिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, छोटा सा वीडियो था, मेरे भी एक्सपीरियंस ने मुझे काफ़ी हेल्प किया तो आपके साथ वो शेयर भी करना था। और इतने क्वेश्चंस आते हैं हमें इसके ऊपर कि बेबी की आँख से ये निकल रहा है वो निकल रहा है, तो मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि मैं सबको ये बात बताऊँ। ये प्रॉब्लम जितनी कॉमन है ना दोस्तों, उतना कॉमन लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम जितना हो सके इस वीडियो को स्प्रेड करें और लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जितनी भी मदर्स हैं वो बिल्कुल घबराएं नहीं और घर में ही बैठे बैठे इस सबको सॉल्व कर सकें। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक बटन पर क्लिक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, हमें बताइए और क्या वीडियोज़ देखने हैं, या ये वीडियो कैसा लगा, या मोमकॉम कैसा चल रहा है, शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और सब्सक्राइब तो आपको करना ही करना है, मोमकॉम फैमिली से आपको जुड़ना ही जुड़ना है। थैंक यू सो सो मच फॉर वॉचिंग मोमकॉम इंडिया।